अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। सब दोस्तों को हमारे चैनल सामा फार्मेसी पर खुश आमदीद कहता हूँ। जो दोस्त चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने हुए बेल आइकन पर क्लिक करें। इस बेल आइकन पर क्लिक करने से आप हमारे डेली बेसिस पर मेडिसिन से रिलेटेड अपलोड की जाने वाली वीडियो से आगाह रहेंगे। व्यूवर्स, जैसा कि आप सब दोस्तों को पता है कि मेडिसिन से मुतल्लिक रिव्यू करता हूँ, किसी भी मेडिसिन से मुतल्लिक आप दोस्तों को इन्फॉर्मेशन देता हूँ। व्यूवर्स, आज मैं आपकी खिदमत में यूरिगो टेबलेट और एल्केरिस टेबलेट के मुतल्लिक मुकम्मल रिव्यू लेकर हाजिर हुआ हूँ। इसके मुतल्लिक आज आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले सब दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल देखा करें। अगर आपने इससे फ़ायदा हासिल करना है तो वीडियो को बराए मेहरबानी मुकम्मल देखा करें। इसी तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। व्यूवर, सबसे पहले मैं आपको यूरिगो टेबलेट के मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन इसकी दे दूँ, इसका रिव्यू आपको करवा दूँ कि अगर इसकी फार्मुलेशन के बारे में आपको बताएं तो इसके अंदर फेबोक्सोस्ट्रेट की फार्मुलेशन की गई है 40 mg के अंदर और इसकी 20 की पैकिंग है। अगर इसकी कंपनी के बारे में आपको बताऊं तो ये सामी फार्मा की मैन्युफैक्चर की गई है। इसी के साथ व्यूवर, अब मैं आपको एल्केरिस टेबलेट की फार्मुलेशन के बारे में बताऊं तो एल्केरिस टेबलेट की अंदर एसिक्लोफेनिक 100 mg की फार्मुलेशन की गई है, एसिक्लोफेनिक 100 mg इसके अंदर फार्मुलेशन की गई है। और अगर इसकी कंपनी के बारे में बताऊँ तो ये भी सामी फार्मा पाकिस्तान की मैन्युफैक्चर की गई है, जो कि एक अच्छी पाकिस्तानी नेशनल कंपनी है और इसके बहुत सारे वेलडेबल प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। व्यूवर, एल्केरिस टेबलेट की 30 गोलियों की पैकिंग है और यूरिगो टेबलेट की 20 गोलियों की पैकिंग है। व्यूवर, अगर आप यूरिगो टेबलेट और एल्केरिस टेबलेट को मिलाकर इस्तेमाल करते हैं तो ये यूरिक एसिड के लिए बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है, बहुत ही बेहतरीन यूरिक एसिड का ये इलाज है। व्यूवर, फेबोक्सोस्ट्रेट जो सी यूरिगो टेबलेट है ये जो सी है यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त साल्ट मार्केट के अंदर अवेलेबल है। व्यूवर, इसी के साथ जो सा यूरिक एसिड की वजह से आपके घुटनों के अंदर, जोड़ों के अंदर, उंगलियों के अंदर, टुकनों के अंदर दर्द होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए एल्केरिस टेबलेट एसिक्लोफेनिक साल्ट के अंदर आप यूरिगो टेबलेट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूवर, एल्केरिस टेबलेट आपने सुबह शाम एक एक गोली इस्तेमाल करनी है और जो सी यूरिगो टेबलेट है वो आपने एक रोज़ाना रात को सोते वक्त इस्तेमाल करनी है बिला नागा। व्यूवर, 10 दिन के इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपको इससे मुकम्मल फ़ायदा हासिल हो जाएगा, आपको फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। तकरीबन 20 दिन के इस्तेमाल के बाद आप यूरिक एसिड से मुकम्मल निजात हासिल कर लेंगे। व्यूवर, इन दोनों गोलियों को मिलाकर आपकी यूरिक एसिड के दर्द से बिल्कुल निजात हासिल कर सकते हैं। यूरिक एसिड के दर्द के अंदर, उंगलियों के अलामत के अंदर, उंगलियों के अंदर दर्द होना और सुबह सुबह जब आप चारपाई से उठते हैं तो पांव जमीन पर ना लगना, यानी कि एड़ियों के अंदर भी दर्दों का होना और इससे अलावा टुकनों के अंदर दर्दों का होना और कंधों के अंदर दर्दों का रहना, ये सब यूरिक एसिड की अलामत है। व्यूवर, आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने मेडिसिन इस्तेमाल करनी हो ये दोनों एल्केरिस और यूरिगो, तो आप अपने फैमिली फिजिशियन के डॉक्टर के मशवरे के साथ इस्तेमाल कीजिएगा। आपका फैमिली फिजिशियन डॉक्टर आपको यूरिक एसिड का टेस्ट लिख के देगा, टेस्ट करवाने के बाद उसके मुताबिक आप ये यूरिगो टेबलेट इस्तेमाल करें, एल्केरिस टेबलेट इस्तेमाल करें। क्योंकि मैं आपको हमेशा यही मशवरा देता हूँ कि अगर आपने कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करनी है तो अपने फैमिली फिजिशियन के साथ मशवरा करने के बाद इस्तेमाल करें, क्योंकि हर मेडिसिन के कोई ना कोई साइड इफेक्ट लाजमी हो सकते हैं, यूरिगो और एल्केरिस के भी हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो।